हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोस्तों आपने भी महसूस किया होगा, एक नए यूट्यूबर के लिए वीडियोस बनाना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों नए यूट्यूबर के पास कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं होता, ऐसा कंटेंट नहीं होता जिससे वह वीडियो बना सके। दोस्तों वो शुरुआत में 2-3-5-10 वीडियोज बना देता है, लेकिन उसके बाद में उसे और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है क्योंकि उसके पास अब कोई वीडियो बनाने के लिए टॉपिक नहीं बचता है। अब वो सोचने लगता है कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है उससे कि वो कुछ भी बहुत ऐसी वीडियो बना देता है जिसको लोग जानना ही नहीं चाहते, यानी कि ऐसे टॉपिक्स पे बना देता है जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है लोगों को, इसलिए उसके व्यूज नहीं आते और चैनल सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है एक नए यूट्यूबर की। अब आप इससे क्या कर सकते हो अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो? दोस्तों मैंने भी बहुत सारी समस्या फेस की जब मैं शुरुआत में वीडियोज बनाता था, लेकिन अब मुझे टॉपिक्स मिलने लग गए। दोस्तों आप क्या कर सकते हो? वैसे तो किसी की दोस्तों आपने सुना होगा वीडियो कॉपी करना बहुत बेकार है, और दोस्तों वास्तव बेकार है। अब दोस्तों वीडियो कॉपी करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है दोस्तों किसी की वीडियो को डाउनलोड करो और अपने चैनल पर अपलोड कर दो, जो बहुत ज्यादा गलत तरीका है। दोस्तों इससे आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और आपकी वीडियो यहीं पे ही बंद हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी, या फिर आपकी जो भी अर्निंग होगी वो उस दूसरे ओनर के पास पहुंच जाएगी जिसकी वो वीडियो है। दोस्तों ये तो आपको अपनाना नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं आसान तरीका नए यूट्यूबर के लिए जिससे वो ग्रो भी कर सकता है और टॉपिक्स की भी समस्या से बच सकता है। दोस्तों आपको करना क्या है? दोस्तों कोई भी एक अच्छा यूट्यूबर हो यूट्यूब पर, उसकी कोई आपको वीडियोस देखनी है कोई भी अच्छी जो आपको लग रही है कि हाँ ये मेरे काम आ सकती है, जिसको आप देखना पसंद कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है वो उसे लोग भी देखना पसंद करेंगे, यानी जो आपको पसंद आ रही है लोग उसे भी पसंद करेंगे, ये भी पक्का है। दोस्तों इसलिए आप उस टॉपिक पे दोस्तों उस वीडियो को देखो। जब दोस्तों आप उस यूट्यूबर की उस वीडियो को देख लेते हो तो और यूट्यूबर्स की भी उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो देखो। दोस्तों अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉपी करने का एक आसान सा बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों कि आप जब उस टॉपिक पर 5 या 10 या 6-7 जितनी वीडियो देख लेते हो तो आपको क्या करना है उन वीडियो में से थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग उठाना है और दोस्तों उसको मिक्स कर देना और एक नई वीडियो कंटेंट के साथ बनाना है, यानी कि आपकी वीडियो सबसे अलग होनी चाहिए। किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये तो बहुत पुराना सामान है, यानी कि पुरानी वीडियो है, इसको लोग क्यों देखेंगे, ये तो पहले ही देख ही दिखाई है और ये किसी की कॉपी, ऐसा नहीं लगना चाहिए। दोस्तों आपको सब में से थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाना है और वह नई वीडियो को तैयार करना है। दोस्तों अब आप एक नई वीडियो तो तैयार कर दोगे जैसे भी, उसमें लेके आपको, आप एक यूट्यूबर हो आपको पूरी तरह से आता होगा कि कैसे बोलना है कैसे क्या करना है, ये आप सब जानते हो। दोस्तों आपको अभी एक नई वीडियो बना लेते हो। दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो नई वीडियो बनाने के बाद कि आपको ना बस ये आपने वीडियो तो अच्छी बना ली, उसमें से ना तो कोई कॉपी की ना ऐसा कुछ भी किया कि दो लोगों को लगे कि ये कॉपी है, लेकिन दोस्तों उसमें सबसे बड़ी गलती आपसे ये हो जाती है कि आप जो उसका थंबनेल है उसको भी उस जैसा ही बना देते हो जिसकी आपने वीडियो देखी है। दोस्तों आपको ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। दोस्तों थंबनेल तो आपको उसी टॉपिक पे बनाना है जिस पे आपने ये वीडियो बनाई है, लेकिन दोस्तों इस तरह से बनाना कि किसी को ये नहीं लगे कि ये फोटोकॉपी है, यानी कि थंबनेल उसी टॉपिक पे बनाते हुए बहुत अलग तरीके से बनाना है जो लगे कि हाँ ये स्वयं का ज्ञान है और ये मैंने खुद ने बनाई है। दोस्तों इससे आपको फायदा क्या होगा? अगर आप ऐसे करोगे, अगर लगेगा लोगों की ये फोटोकॉपी नहीं है तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन लोगों को ये महसूस हो गया कि ये तो फोटोकॉपी है तो दोस्तों सभी को आपसे हेट हो जाएगी और आपके वो किसी भी चैनल को ना तो सब्सक्राइब करेंगे और ना वीडियो को लाइक करेंगे और उसका डिसलाइक और मार देंगे दोस्तों, जिससे आपका चैनल डीमोटिवेट हो जाएगा, यानी कि आपके कभी भी लाइक्स नहीं आएंगे और ना तो आपका चैनल ग्रो कर पाएगा। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, उसके जैसे आपको थंबनेल नहीं बनाना है, यानी उससे थोड़ा सा अलग करना है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको जो भी थंबनेल है उसको अलग तरीके से बनाना है, लेकिन टॉपिक वही होना चाहिए दोस्तों जो लोगों को समझ में आए। दोस्तों आपने थंबनेल भी अब उससे अलग बना दी, लेकिन दोस्तों आप दूसरी गलती ये कर जाते हो जैसे ही आप उस वीडियो को डालते हो तो आप पे दोस्तों उसने देखा होगा कि आप उसकी तरह ही बातें बोलने लग जाते हो, जैसे वो उसमें बोलता है आप भी उसके स्टाइल में बोलने लग जाते हो। दोस्तों जिससे लोगों को क्या है कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके सब लाइफ स्टाइल को जानते हो, वो कैसे बोलता क्या है। दोस्तों जैसे ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये तो उसकी कॉपी कर रहा है, यानी कि उसकी कॉपी करते हुए वीडियो बना रहा है या उसकी वीडियो हो सकती है, तो दोस्तों लोगों को आपसे घृणा हो जाएगी, हेट हो जाएगी दोस्तों, और फिर वो आपसे कभी भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। दोस्तों इस चीज़ों से आपको बचना है, ये स्वयं का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा, तो इतना तो आप जानना चाहिए कि किस तरह से ये वीडियो को एडिट करना, किस तरह बनाना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो में आपको थोड़ा भी अच्छा ज्ञान मिला हो आपके काम का हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों अपने जो भी क्वेश्चन है आपके, आपको क्या समस्या आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद मित्रों।